जिला प्रशासन प्रदेश सरकार द्वारा बिलासपुर शहर के लोगों के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति को लागू नहीं कर रहा है। ये बात बिलासपुर बचाओ एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष तरुण टाडू ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष पूर्व सरकार के समय बनाई गई नीति में संशोधन किया था तथा पूर्व नीति में लगाई गई कई शर्तों को हटा दिया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित की गई नीति का लाभ बिलासपुर के सभी लोगों को मिलना था तथा इसके तहत 150 वर्ग मीटर तक के अतिक्रमण को नियमित किया जाना था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन ने समय रहते जिला प्रशासन ने आवेदन नहीं लिए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने अगस्त महीने में लोगों से आवेदन लिए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने शहर के किसी भी मकान या दुकान की पैमाइश नहीं की कि किसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिना पैमाइश किए ही जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद द्वारा 7 लोगों को अतिक्रमण हटाने को नोटिस दिए थे। उन्होंने कहा कि जब तक शहर की पैमाइश नहीं हो जाती है और इसका निर्णय नहीं हो जाता कि कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तब तक जिला प्रशासन किस आधार पर लोगों को नोटिस दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेशों को दरकिनार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पहले लोगों के घरों की पैमाइश करे और उसके बाद जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन ने किसी भी शहरवासी का मकान या दुकान गिराने की कोशिश की तो समिति चुप नहीं रहेगी तथा जिला प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। जिला बिलासपुर में सदर क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बिलासपुर पॉली क्लिनिक पशु औषधालय के भवन निर्माण की धनराशि कांग्रेस कार्यकाल में 2017 में मंजूर की गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि भाजपा सरकार में 2017 से लेकर 2019 तक इस कार्य को शुरू तक नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब कांग्रेस ने जब इस मामले की पैरवी करते हुए विरोध किया तो MLA के चहेते ठेकेदार आशीष ढिल्लो ने बिना किसी टेंडर के पशु विभाग की जमीन पर 90 पेड़ों को काट दिया तथा बिना किसी विभाग की अनुमति के जमीन में JCB लगाकर कटिंग भी कर दी, जो कि सरासर गैर कानूनी है। नियमों और कानून को ठेंगे पर रखने वाले भाजपा के ठेकेदारों के हौसले बुलंद है तथा वे ऐसे कृत्यों को करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सवाल उठाया कि डिप्टी डायरेक्टर पशु विभाग की जमीन पर ठेकेदार ने पेड़ कैसे काट दिए और पेड़ों की लाखों रुपए की लकड़ी कहां पर गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसकी मिली भगत से ये पेड़ काटे गए। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए PWD विभाग पर सवाल किया कि वो बताएं कि जब पशुपालन विभाग की जगह पर कटिंग का कार्य ही नहीं बचा है तो PWD विभाग ने कटिंग का टेंडर क्यों लगाया है। ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए चोर बाजारी जारी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा, अन्यथा वो PWD विभाग व पशुपालन विभाग के दफ्तर के सामने धरना देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन के कार्यक्रम के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है तथा अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद के लिए सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से विभाग द्वारा कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 11 पदों के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें 12 सदस्यों तथा उप प्रधान के लिए होंगे। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि मतदान 17 को सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना उसी दिन शाम को पंचायत घरों में ARO के सामने की जाएगी तथा स्वारगाट की मतगणना 18 को की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग सही से करें तथा निष्पक्ष करें। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था कर ली गई है।